हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने जियो फोन में PDF ओपन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑनलाइन नेटवर्क के, बिल्कुल ऑफलाइन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डाटा डाउन करना होगा अपने जियो फोन में, और जाना होगा जियो स्टोर में। जी हाँ, आपको जियो स्टोर में जाना होगा। तो जियो स्टोर में जाने के बाद यहाँ से आपको जियो स्टोर ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। ओपन होने के बाद आपको इसमें से जाना है और देखना है PDF व्यूवर। जी हाँ, आपको इसमें सर्च करना है PDF व्यूवर। आप देखेंगे यहाँ पे आपको PDF व्यूवर मिलेगा और उसे आपको डाउनलोड कर लेना। जैसे कि ये रहा PDF व्यूवर, इसे भी आपको डाउनलोड करना। मैंने इसे पहले डाउनलोड कर लिया, जैसे मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। इसे ओपन कर लेंगे आप, जो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको आपके इंटरनल फोल्डर में या फिर SD कार्ड, दोनों में आपका जहाँ पर भी आपका ये होगा फाइल PDF, वो आपको यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डाउनलोड किया हुआ सैंपल PDF। तो इसे आप ओपन कर लेंगे, देखेंगे कि आपके ये PDF फाइल है बिल्कुल जो है ओपन हो जा रहा है। यहाँ से आप इसको वन वन की अगर आप दबाएंगे तो ये इससे जूम होगा, और 3 की से ये जो स्मॉल और जूम इस टाइप से होगा, 3 से जूम होगा और 1 से स्मॉल होगा। तो ऐसे आप इसे कंट्रोल करेंगे और 8 की दबाएंगे तो ये नीचे जाएगा, नेक्स्ट पेज में जाएगा, 2 से वापस रिटर्न जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको PDF को कंट्रोल कर सकते हैं, इस व्यूवर को इस प्रकार अपने PDF को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको अच्छे से हम पहुँचा सकें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।